वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, रशिया ने इंडिया के साथ अपना जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने में रशिया इंटरेस्टेड है और होपफुली आगे जाके रशिया इंडिया के साथ शेयर करेगा। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं, भैया इंडिया के पास तो खुद का ही एटम बम बनाने का या फिर डिफरेंट जो पावर है न्यूक्लियर उसका टेक्नोलॉजी है, तो फिर से रशिया के पास क्यों जरूरत जा रहा है इंडिया या फिर क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊँ, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आगे जाके इन फ्यूचर रशिया यूज़ करेगा मून पे। वही सेम टेक्नोलॉजी रशिया इंडिया के साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड है और आगे जाके हो सकता है कि रशिया और इंडिया एक साथ काम करे इस टेक्नोलॉजी पे। तो ये सब सुन के आप पूछ ही सकते हैं कि एग्जैक्ट पूरा कहानी क्या है मून पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मगर समझे नहीं तो आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है इसी वीडियो में मिलने वाला है। पूरा वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया अभी जो है एग्जैक्टली तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज जिनको लीड कर रहे हैं यूएस, और यूएस के जो चंटू वंटूज है वो सब यूएस के साथ है। दूसरा पार्ट जिसमें रशिया और चाइना है जो लोग के कम्प्लीटली यूएस के अगेंस्ट में खड़े है। ऑन द अदर साइड तीसरा पार्ट कुछ ऐसा कंट्रीज है जो लोग कम्प्लीटली न्यूट्रल है, जिन लोगों को सिर्फ अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको लेके ही वो लोग चलते हैं। और अगर कोई कंट्री ये जो थर्ड सेगमेंट है इन लोगों के साथ काम करना चाहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर उन लोगों का नेशनल इंटरेस्ट में वो आता है तो ऑब्वियसली वो लोग आगे जाके उस कंट्री के साथ काम करते हैं। ऑन द अदर साइड ये जो थर्ड सेगमेंट के कंट्रीज है ये हमेशा फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट के जो कंट्रीज है उन लोगों के साथ बैलेंस बना के चलता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई हम लोगों को किसी के साथ झगड़ना नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर कोई हम लोग को परेशान करता है तब जाके हम लोग उसके अगेंस्ट में एक्टिव होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये अगर फॉर्मूला देखा जाए प्रेजेंटली हम लोग अगर देखें तो ये थर्ड सेगमेंट में जो कंट्री मैंने आपको कहा उनमें इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। आज के डेट में अगर इंडिया को देखा जाए ये हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट को लेके ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। ऑन द अदर साइड डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ये अपना जो रिलेशन है ये हमेशा बैलेंस करके मेंटेन करके चलते हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें रशिया के साथ या फिर यूएस के साथ, ऑन द अदर साइड ये जो फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट के जो कंट्रीज़ है वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं जो थर्ड सेगमेंट के कंट्रीज़ है उनमें से जिन लोगों का इकोनॉमीज अच्छा कंडीशन में है वो कंट्री को हमेशा अपने साइड में लाने के लिए। इसके लिए वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैंतरे होते हैं वो ट्राई करते हैं। कभी इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आप ये करो आप वो करो। ऑन द अदर साइड अगर नहीं सुनते तो आपको सैंक्शंस का जो डर है वो दिखाया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इंडिया को डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो नेगेटिव पार्ट है या जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैंतरे देखने को मिलते हैं वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करते हैं गिफ्ट के पार्ट में, मतलब इंडिया को प्रेजेंटली जो गिफ्ट मिला है रशिया से। रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है इन फ्यूचर रशिया और इंडिया एक साथ काम कर सकते हैं मून पे जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको लेके। प्रेजेंटली अगर देखा जाए रशिया अपने तरफ से मून का ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा ही काम कर चुका है। ऑन द अदर साइड ये सब सुन के आप पूछ ही सकते हैं कि भैया हम लोग के जिस टाइम में चंद्रयान 3 जा रहे थे 2023 का बात है, उस टाइम में रशिया ने भी तो लूना 25 भेजा था मगर वो तो क्रैश कर गया। अभी जाके रशिया कैसे फिर से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है और इसमें इंडिया को भी साथ में ले रहा है, एग्जैक्ट कहानी क्या है? ऑब्वियसली एग्जैक्ट जो कहानी है वही आज आपको बताएंगे। कुछ दिन पहले इसरो चीफ ने अपने तरफ से अनाउंसमेंट किया है कि बाय 2040 कोई भी एक इंडियन जो है वो मून पे जाएगा। ऑन द अदर साइड उसके बाद इंडिया का जितना भी प्रोजेक्ट है मून को लेके वो सब कुछ स्टार्ट किया जाएगा, वो भी बहुत जल्दी किया जाएगा आफ्टर 2040। तो ये जो स्टेटमेंट था इसरो के तरफ से और इसरो का प्रेजेंट जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए दुनिया में हर जो कंट्री है हर कोई कंट्री अपने तरफ से एग्जैक्टली मून पे बहुत इंटरेस्टेड है, मगर सबके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या फिर सबके पास इस लेवल पे टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लोग आगे जाके मून पे कुछ काम कर सके। तो ये सुनने के बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि भैया मून पे जाने का ज़रूरत क्या है, दुनिया में तो इतना कुछ रखा है फिर भी आप लोग मून पे जा रहे हो। तो मैं आपको बताऊं कि पास्ट में एक टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, मगर उस टाइम में इंडिया जो था वो ब्रिटिश के अंदर था, जिसके वजह से हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पार्ट नहीं हो पाए और हम लोग के कंट्री से डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिसोर्सेज है वही जो ब्रिटिश है वो लोग लेके गए, वो लोग अपने तरफ से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया और अपना जो कंट्री है उसका ग्रोथ कर लिया। बहुत सारा लॉसेस हुआ था इंडिया को उस टाइम में जो हम लोग अभी आज के डेट में बैठ के कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग उस टाइम में फर्स्ट मूवर्स थे। आज के डेट में अगर हम लोग देखा जाए तो इन फ्यूचर जाके अगर कोई भी मून पे प्रोजेक्ट होता है जो भी फर्स्ट मूवर होगा नो डाउट उसको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंटली अगर देखा जाए मून का जो धरती है ये एकदम खजाना है आज के डेट में। अगर ये खजाना को जो पहले फर्स्ट मूव करेगा, जो पहले यहाँ वहाँ से माइनिंग करके निकाल पाएगा, वही कंट्री आगे जाके दुनिया में रूल करेगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर टेक्नोलॉजिकली हो।
और इंडिया को ये चांस इस बार मिला है, मगर इंडिया को ये जो चांस मिला है ये फुलफिल करने के लिए इंडिया को भी सपोर्ट का ज़रूरत है, ऑन द अदर साइड डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों को भी सपोर्ट का ज़रूरत है। क्योंकि इंडिविजुअली अगर कोई भी कंट्री ट्राई करता है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का आज के डेट में जो स्पेस रिसर्च जितना एडवांस है कंपेयर करा जाए अगर दुनिया के डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पेस एजेंसीज हैं उन लोगों के साथ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देखने को मिलेगा कि डिफरेंट जो स्पेस एजेंसी है दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उन लोग बहुत पीछे हैं। ऑन द अदर साइड इंडिया अगर अकेला कोशिश करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो स्पेस एजेंसी ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, जैसे कि हम लोग अगर रशिया को ही पकड़ ले, रशिया ने अपने तरफ से भी कोशिश किया था मून पे जाने के लिए, इसका मतलब है रशिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि उन लोगों का जो मिशन है वो कोई भी एक कारण के लिए फेल हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर दोनों कंट्री मिलकर आगे काम करेगा तो इन फ्यूचर कोई भी प्रोजेक्ट हो वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ये लोग क्रैक कर पाए। प्रेजेंटली रशियन गवर्नमेंट का जो मीडिया है वो अपने तरफ से पब्लिश किया है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसमें इंडिया और चाइना अपने तरफ से इंटरेस्ट शो किया है, और हो सकता है कि आगे जाके इंडिया चाइना और रशिया मिलकर इस पर काम करे। तो ये सुनने के बाद आप फिर से पूछ सकते हैं कि भैया रशिया के साथ काम करना तो चलो इंडिया का कोई भी इशू नहीं है, मगर चाइना के साथ मिलकर काम करेगा, क्या आपको लगता है एग्जैक्टली क्या होगा? ये इन फ्यूचर में डिपेंड करता है। ऑन द अदर साइड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो स्पेस है ना ये एक ह्यूज है, मतलब स्पेस कितना है एग्जैक्ट कोई किसी से भी पूछ लीजिए वो लोग आपको कोई अमाउंट बता पाएगा शायद, मगर वो करेक्ट है या नहीं है ये हम लोग कहीं भी से भी देख नहीं पाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर स्पेस में अगर हम लोग का जो अर्थ है उसको देखे तो ये बहुत एक छोटा सा चीज़ है। तो अगर आपको स्पेस में कुछ तरक्की करना है, अपना टेक्नोलॉजी को जो है उसको एडवांस करना है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कंट्री में डिवाइड हो जाते और अलग अलग काम करते तो इसमें हम लोग का जो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर सारा कंट्रीज मिलके एक साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी होता, मगर जैसे मैंने कहा आपके वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, तो इसके लिए ही अगर दो तीन कंट्री एक साथ मिलकर काम करता है तो हो सकता है कि हर कोई अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करे, जिससे आगे जाके ये जो एडवांस जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हम लोग क्रैक कर पाएंगे। मगर इसमें मुझे भी शक है कि चाइना और इंडिया एक साथ कैसे काम करेगा। जैसे ही इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको कम्प्लीटली अपडेट कर दूंगा। ऑन द अदर साइड ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो भैया ये सब तो समझ गए मगर यूएस का क्या है, वो तो हर बार टांग अड़ाएगा या फिर कुछ ना कुछ करेगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग यूएस को देखें, यूएस का जो नासा है ये काफ़ी एडवांस है। ऑन द अदर साइड वो लोग भी अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट है उसमें हमेशा ही काम करता है जो एडवांस प्रोजेक्ट है, मगर यूएस अगर अभी जाके मून में कोई भी सेटअप करना चाहता है या फिर अगर मून में माइनिंग भी करना चाहता है या फिर मून में जाके वो लोग न्यूक्लियर प्लांट या फिर ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो यूएस को उसमें हिस्सा देना पड़ेगा। किसको हिस्सा देना पड़ेगा भाई? यूएस के जो चंटू वंटूज है उन लोगों को। अब कौन है ये? इनमें से यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप का एक पार्ट है, कनाडा है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है। यूएस को तो आप जानते ही है कि जो दोस्ती है वो कैसे वो बढ़ाता है, तो जो भी है यूएस को सब में सबको हिस्सा देना पड़ेगा। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ये जो डिफरेंट कंट्रीज जो यूएस के साथ है उन लोग का अगर जो टेक्नोलॉजी है मतलब जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उस लेवल पे हर कोई कंट्री इक्वली ग्रोथ नहीं किया है, सब अपने तरफ से अलग अलग ग्रोथ किया है, मगर इतना एडवांस भी टेक्नोलॉजी नहीं है जितना यूएस का है। तो ऑब्वियसली अगर इन सारे कंट्रीज़ को लेके अगर यूएस काम करना जाए कोई भी एक प्रोजेक्ट में और उस प्रोजेक्ट में मतलब मून से अगर माइनिंग करके कुछ लाया जाए और उसके बाद वो आपस में डिवाइड किया जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या फिर एक लॉन्ग टर्म गेम है, या फिर इन सारे कंट्रीज़ को संभालना एक साथ, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि भाई हम लोग तो परसों से आपका एलाइज है आपको तो हमें हिस्सा देना पड़ेगा, और ये हिस्सा देते हुए यूएस कैसे इसको हैंडल करेगा ये भी एक क्वेश्चनेबल पार्ट है। ये सब सुन के आप पूछ ही सकते हो कि भैया क्या चांद पे जाकर माइनिंग कर पाएगा? हम लोग तो सुने थे हम लोग का जो चंद्रयान है वो धीरे धीरे नीचे चल जा रहा था, एंड में जो हुआ था एग्जैक्टली चंद्रयान के साथ वो माइनिंग कैसे करेंगे? तो ये जो है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, और माइनिंग करने का क्या ज़रूरत है ये भी आप समझ लीजिए। चांद का जो धरती है अकॉर्डिंग टू नासा उनमें एग्जैक्टली जो हीलियम 3 है जो आइसोटोप है हीलियम का वो एक ह्यूज टन में अवेलेबल है। आज के डेट में अगर देखा जाए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है, ये ऑब्वियसली बहुत रेयर है। ऑन द अदर साइड ये अगर किसी को मिलता है तो आगे जाके वो वास्ट एनर्जी मतलब एक ह्यूज एनर्जी जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा। तो अगर चांद में माइनिंग होता है तो ऑब्वियसली ये जितना टन भी ये आपका हीलियम का आइसोटोप वहाँ अवेलेबल है उसको ऑब्वियसली वहाँ से माइनिंग करके उठाया जाएगा, फिर वो हम लोग का धरती में लाया जाएगा। जो कंट्री फर्स्ट मूव करेगा ऑब्वियसली उसके पास ही ये पावर होगा, उसके पास ही एक एनर्जी का भंडार होगा। इसके अलावा भी अगर देखें चांद में डिफरेंट टाइप ऑफ और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो मेटल्स आज के डेट में धरती में लगभग बहुत ही रेयर है, मतलब ही उन लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। ह्यूज
फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमीकंडक्टर। ऑन द अदर साइड फ्यूचर में अगर कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन जो आएगा, उन लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेक्नोलॉजी एडवांस ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग को जो मेटल्स को ज़रूरत है वो चांद में अवेलेबल है। क्योंकि अगर हम लोग देखें दुनिया में ये जो मेटल्स है ये काफ़ी रेयर है और ये बहुत ही मतलब कम वॉल्यूम में मिलता है। ऑन द अदर साइड मिलना भी टफ है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। चांद की धरती में ये जो मेटल्स है ये अवेलेबल है। तो नो डाउट जो कंट्री फर्स्ट मूव करेगा और ये माइनिंग करके उसको सिस्टमेटिकली दुनिया में लाएगा, ऑब्वियसली वो कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन भी ग्रो होगा, साथ साथ उन लोगों के पास जो पावर है वो भी बढ़ेगा और आगे जाके उस कंट्री का तरक्की ज़्यादा होगा। और ये माइनिंग करने के लिए जो ज़रूरत है वो है पावर, मतलब एनर्जी। अब क्या एनर्जी वहाँ यूज़ होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज को देखें तो कोई भी रिसोर्सेज अगर चांद में ले जाना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसका जो कॉस्टिंग है ये काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि एग्जैक्टली मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा ये काफ़ी छोटा होगा और इन लोगों को ईजिली चांद पे ले जा सकते हैं वहाँ माइनिंग करने के लिए। तो जब भी मून पे ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करके माइनिंग किया जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ क्या क्या है एग्जैक्टली, बहुत कुछ है जो हम लोग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया चांद का वैल्यूएशन क्या होगा। अब वैल्यूएशन क्या होगा ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी भी कुछ एग्जैक्ट जो डिस्कवरीज है वो अभी भी बाकी है कि वहाँ क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या है, कौन सा मेटल किस अमाउंट पे मिलेगा या फिर कौन उसको लाएगा वर्ल्ड में। तो ये सब जो है ये फ्यूचर का बात है, जब भी मिल जाएगा या फिर कोई वैल्यूएशन कर देगा तब मैं आपको बता पाऊंगा होपफुली। ऑन द अदर साइड ये जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसमें चांद में जो एनर्जी चाहिए या फिर जो पावर चाहिए वो पावर हम लोग को मिलेगा, वो ऑलरेडी रशिया ने अपने तरफ से डेवलप कर लिया है। मगर रशिया चाहता है कि इंडिया भी रशिया के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि ऑलरेडी हम जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था तो उस टाइम में दुनिया के जितने सारे भी कंट्रीज है हर कोई इंडिया को ही देख रहा था। और आज के डेट में भी जब भी कोई मतलब स्पेस का बात आता है तो सबसे पहले बात आता है नासा का और उसके बाद आता है इसरो का। तो इसके लिए रशिया चाहता है कि आगे जाके इंडिया ज्वाइन करे। ऑन द अदर साइड चाइना भी अपने तरफ से इंटरेस्ट शो किया है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिले ये तीनों कंट्री एक साथ काम कर रहे हैं, या फिर ये करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा फ्यूचर के ऊपर। जैसे ही इस टॉपिक में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं हम लोग के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगा? अगर इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANUSPAL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है या फिर अगर बहुत सारे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या पसंद है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियो आता है, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।